पधारो हमारे देश रे, पधारो हमारे देश। हेलो और स्वागत है आपका नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाएंगे उदयपुर में हमारी आगे की जर्नी। तो चलिए हमारे साथ कुछ बेहतरीन जगहों पे जो आप उदयपुर में जा सकते हैं। महाराणा संग्राम सिंह जी यहाँ के महाराणा थे, उन्होंने इसको बनाया था रानियों और प्रिंसेस के लिए, जो गर्मी में यहाँ आया करती थी और फव्वारों का लुक लिया करती थी, आनंद लिया करती थी। जैसे हम अंदर जाएंगे तो देर आर फाइव टाइप ऑफ फाउंटेन्स। जो पहला फाउंटेन है वो वेलकम फाउंटेन कहा जाता है, सेकंड जो है वो है बिन बादल बरसात, एंड थर्ड जो है वो हम उसको कहेंगे सावन भादो, फोर्थ जो है कमल तलाई, एंड फिफ्थ है रासलीला। इस तरह से पांच फाउंटेन है अंदर। तो क्या जब ये प्रिंसेस और रानियां यहाँ आती थी गर्मी के दिनों में तो देवर एंजॉइंग किया। इसको बनाया था 1710 से 1734 के बीच में महाराणा संग्राम सिंह। कहते हैं किसी ज़माने में ये ऑल जो फाउंटेन थे ये एयर प्रेशर जो होती है ना उससे काम करते थे, लेकिन अभी तो टेक्निक है तो उस वजह से पंप से काम कर रहे हैं। बाकी किसी ज़माने में क्योंकि ऊपर फतेह सागर तो वहाँ से पानी आता था और एयर प्रेशर से ये फाउंटेन काम कर रहे थे। तो अभी देखेंगे हम पहला फाउंटेन, वेलकम फाउंटेन। ये देखिए तो पत्थर लगे हुए हैं वो भी वेलकम के हिसाब से, पत्थर ये जो लगे हुए ना। अच्छा हाँ, नमस्ते जैसे बोलते ना उसी फॉर्म में। इसलिए ये है पहला फाउंटेन। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं डे टू, एंड पहली जगह जहाँ पे हम आए हैं वो है सहेलियों की बाड़ी। हमारे साथ हैं गजेंद्र सिंह और ये हमारे आज के गाइड हैं। तो ये बेसिकली इंडिया आयुर्वेदा टूर से हमें रेफर किया था इनको, एंड दिस इज कॉल्ड छतरी। ये देखिए वन पीस ऑफ मार्बल का बना हुआ है, ये पूरा ब्लैक मार्बल है। अच्छा, पूरा हैंड कार्विंग है। हाँ, एंड वो है व्हाइट मार्बल। तो ये एक सेकंड फाउंटेन है जिसको कहते हैं बिन बादल बरसात। नाउ व्हाई दे से इट बिन बादल बरसात, क्योंकि बोलते हैं कि अगर आप आंख बंद करके सुने तो इट लिटरली इट फील्स लाइक कि बादल गरज रहे हैं। तो ये वैटलैंड दिखने में भी काफ़ी सुंदर है ये वाला। हेलो, सो हमने दो तो देख लिए हैं, एंड स्वागत एंड बिन बादल बरसात। बट रियली ये काफ़ी सुंदर जगह है, बिल्कुल ही पास में है हमारे होटल के भी, ज़्यादातर मतलब 5 मिनट दूर था। आपको उदयपुर में काफ़ी सारी ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पे आप अच्छा हिस्ट्री का देख सकते हैं। गजेंद्र जी, आप इसका थोड़ा और कुछ बता सकते हैं इस जगह के बारे में? ये जो है अभी हम ये फाउंटेन के पास में है जिसका नाम है सावन भादो। हाँ जी, ये थर्ड सावन भादो। अच्छा। कहते हैं इसको क्योंकि हमारे हिंदी कैलेंडर के अंदर दो मंथ होते हैं ना सावन। हाँ, उनके हिसाब से इसको सावन भादो कहा जाता है क्योंकि बारिश के मौसम में चारों तरफ जो हरियाली होती है ना, हाँ उस तरह से यहाँ पर हर समय हरियाली नजर आती है, इसलिए इसको सावन भादो कहते हैं। ओके ओके, यस। सहेलियाँ वो सब इसके चारों तरफ डांस किया करती थी। अच्छा। और इसीलिए सावन भादो में जैसे मोर नाचता है तो वैसे वो भी यहाँ पर आके डांस करती थी। तो गाइस, अभी हम हैं सावन भादो फव्वारा, और यहाँ पे वैसे मंडे के हिसाब से भीड़ मुझे लग रहा था इतनी नहीं होगी, बट फिर भी है थोड़ी बहुत भीड़ तो है, बट स्टिल इतनी कंसिडरेबली जो खाली जगह है उसके हिसाब से तो ठीक ठाक ही लग रहा है।
काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड ज़रूर आप जब अपनी आइटनरी बनाएंगे तो इस जगह को ज़रूर अपनी चेकलिस्ट पे रखिए, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है ये, आप आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। यहाँ पर कमल खिले हुए हो तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड कमल तलाई। चार एलिफेंट है। अच्छा। और ये वन पीस ऑफ मार्बल का बना हुआ पूरा। घूमने के लिए ना उदयपुर घूमने के लिए फरवरी मार्च आफ्टर 15 जनवरी यू कैन से। बाकी यूँ फॉरनर के लिए तो हमारा वही अक्टूबर टू टिल मार्च इज द राइट टाइम। रासलीला आपको पता है एक तरह का डांस हुआ करता था जो कृष्ण भगवान दर्शाया करते थे, वो यहाँ पर वो लेडीज सभी उससे लकड़ियों से स्टिक से डांस करती थी यहाँ पर सभी रानी जो हेलो। सो अभी अभी हमने सहेलियों की बारी से हम निकल गए और वहाँ से निकल के हम सीधा जा रहे हैं करनी माता, जो कि रोपवे में के लिए भी काफ़ी फेमस है। अगर भी रोपवे नीचे से ऊपर तक ज़्यादा दूर? हाँ, नहीं ज़्यादा दूर नहीं है वो। अच्छा। 15 मिनट्स 20 मिनट्स का होता है। अच्छा। ज़्यादातर तो वहाँ पर जो दूध तलाई जिसको कहते हैं लेक है, वहाँ से हम रोपवे लेंगे वो जो उड़न खटोला। अच्छा 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 जिन्होंने बैटल ऑफ हल्दीघाटी लड़ा था अकबर से, हल्दीघाटी। हाँ जी, उनका घोड़ा था और उसका नाम था चेतक। अच्छा। एंड देयरफॉर दिस सर्कल इज कॉल्ड चेतक सर्कल। ये देखिए राइट में इधर स्टैचू देखेंगे, यही राइट में थोड़ा सा आगे उदयपुर का सबसे बड़ा जनरल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। एंड द बिल्डिंग वॉज डोनेटेड बाय द ग्रैंडफादर ऑफ प्रेजेंट महाराणा गोपाल सिंह जी ने बिल्डिंग को गिफ्ट किया था गवर्नमेंट को इधर। एंड देयरफॉर द हॉस्पिटल इज कॉल्ड लाइक महाराणा भोपाल चिकित्सालय। ऑफिसेस वगैरह हैं, कलेक्ट्री है लेफ्ट में, हमारे लेफ्ट में जिला कलेक्टर। हाँ जी जी, वो देखिए सामने जो गेट है ना वो है हमारा दिल्ली गेट। ये जो सामने दिख रहा है? हाँ जी, वो जो सामने दिख रहा है वो है दिल्ली गेट। करनी माता जो थी ना उनका जो मेन मंदिर है देशनोक में है, बीकानेर से 40 किलोमीटर गांव है देशनोक और वहीं पर है। और यहाँ पर भी हमारा एक करनी माता का मंदिर है उदयपुर में, जैसे पहाड़ के ऊपर है जहाँ पर वाइट चूहा अगर आपको दिखता है ना तो बहुत शुभ होता है ऐसा बोलते हैं। अच्छा। और ये जो चारण लोग हैं यहाँ के, राजस्थान के अंदर एक कम्युनिटी है जिसको चारण। अच्छा। चारण कम्युनिटी का ऐसा मानना है कि जब वो मरते हैं ना तो वो रिइंकार्नेशन लेते हैं चूहों के रूप में। हम जा रहे हैं रोपवे में, तो हम ऊपर जा रहे हैं रोपवे में। यहाँ से आपको दिखेगा रोपवे में, यहाँ से आपको दिखेगा रोपवे में आप जा सकते हो। जो पर टिकट है वो डिपेंड करता है कि आपको दो का लेना है, चार का लेना है, या छः या फिर 12 लोग, उसके हिसाब से आप अपना कैबिन भी ले सकते हैं। बाकी ऊपर चल के देखते हैं। मेन तो यहाँ पे रोपवे का ही सबसे ज़्यादा अच्छा हमने सुना था।
मैनमेड मतलब कैसे, बड़ा मुश्किल हुआ होगा ये तो? नहीं, यहाँ पर जैसे पहले रिवर थी, अब रिवर को यहाँ पर बांध दिया उस तरफ, तो जगह रिवर थी पहले। हाँ, रिवर थी जो की चोटी से होके गुजरती थी। अच्छा, तो इसको यहाँ पर बांध दिया था। सो 15 सेंचुरी में कोई लाखा बंजारा था, उसने मतलब इसको लेक को पिछोड़ा। व्हाइट सिटी के नज़ारे यहाँ से ऊपर से सबसे अच्छे दिखेंगे। तो गाइज, ये पीछे करनी माता मंदिर है जो कि हम रोप वे से ऊपर आए हैं। ऊपर आके मंदिर तो वैसे छोटा है, तो वैसे तो ये पुराना मंदिर था, लेकिन कंस्ट्रक्शन एकदम नया, इनफैक्ट कुछ कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है अभी। तो यहाँ पे सबसे मेन आप आ सकते हैं, एक तो मंदिर, और दूसरा यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे कि आप जग मंदिर, सिटी पैलेस और पूरा उदयपुर का जो एरियल व्यू है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप ज़रूर आइए एंड रोप वे तो ज़रूर आप ऑप्ट कर सकते हैं एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। इसी के साथ हमारा आज का दिन नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि इसी दिन हमने उदयपुर के सबसे इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत जगह पे समय बिताया। सो कीप गेसिंग व्हाट नेक्स्ट।